आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं सुरेंद्र भगत जी, जो कि बीजेपी से हैं और बीजेपी के चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इस बार का जो क्लेम है वो ये आ रहा है कि 400 पार जो है वो जाने वाला है। बीजेपी जो है लगातार यही क्लेम कर रही है। और अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म होने वाले हैं, 4 जून को जो है रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। सुरेंद्र जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, 400 पार का जो क्लेम दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार वाकई में आपकी पार्टी जो है 400 पार कर पाएगी? क्योंकि अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है वो भी बहुत मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, जो बीजेपी की हैं 370 सीटें जो है हमारी बीजेपी की होंगी, 370 का इसके लिए हमने नारा दिया था कि जम्मू कश्मीर में 370 दफा जो है ये निर्धारित की गई थी, उसके माध्यम से हमने 370 जो है तीन सीटें जो है हमने बीजेपी की, हमारे मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, हमारी पार्टी ने, संगठन ने जो तय किया था 370 सीटें लेने के लिए, और जो एनडीए की सीटें होंगी वो 400 पार होंगी, और उसी के माध्यम से हमारी आने वाली 4 तारीख के बाद हमारी जहां गवर्नमेंट बनेगी और बहुमत, बड़ी बहुमत के साथ बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या लग रहा है, लोगों का रुझान जो है इस लोकसभा चुनाव में किस तरफ था? क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जम्मू कश्मीर में 5 सीटों में से सिर्फ 2 ही पर कंटेस्ट जो है वो किया है, और बाकी की सीट पर जो है इंडिया ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आया। नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो 2 सीटें थी जम्मू रीजन में, उसमें 2 सीटें में हम लड़े हैं, दोनों सीटें हम लेंगे। एक सीट हमारे लद्दाख में है, उसमें भी लड़े हैं, वो भी सीट हम जीतेंगे। जो बाकी सीटें 1-2 हैं वो बाकी, वो जिस तरह इंडिया का गठबंधन जो बना है, हमारा तो नहीं बना है, लेकिन ऐसा लगा कि हमने आगे जाकर गठबंधन होगा तो उसमें में लड़ेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी तक बीजेपी जो है वो ये क्लेम कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस बार जो है कमल का फूल जो है कश्मीर में भी खिलेगा, लेकिन कश्मीर में अपनी 3 सीट्स पर बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पिछली बार हमें, आप कहते हैं कि फूल नहीं खिले, पिछली बार हमने DDC इलेक्शन हुई उसमें भी हमारे कैंडिडेट जीते हैं, हमारे काउंसलर जीते हैं कश्मीर में, और इस बार भी हमें जो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की बनेगी बीजेपी की ही बनेगी। असेंबली चुनाव को लेकर अमित शाह जी का बहुत बड़ा बयान आया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे और उसके बाद से स्टेटहुड जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा, जबकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, वो कह रही है कि ये महज एक जुमला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अमित शाह जी का जो बयान रहता है, जो उन्होंने कहा था 370 दफ़ा निर्धारित करेंगे तो करके दिखाया, उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना, अब ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में हम गवर्नमेंट बनाएंगे, वो भी बनेगी, और जो मतलब कि इनके जुमले जो कहते हैं ये करते रहते हैं, पार्टियों के कहना कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, वो कोई चेंज चाहती है? हाँ, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चेंज आई है। देखो, अभी चेंज कितनी बड़ी कश्मीर में चेंज आई है, कोई आपको पत्थरबाज नहीं मिला, इतने इतने हर रोज जम्मू में भी, कश्मीर में भी, हर जगह जो है पत्थरबाजी होती थी और बम ब्लास्ट होते थे, अब बहुत नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चेंजिंग आई है। ये जो 370 हटाया गया है उसकी वजह से ये है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है अब बाहर आकर जो है इस तरीके से वोट जो है वो कास्ट करे, क्योंकि इससे पहले अगर हम कश्मीर में देखेंगे तो हमेशा बायकॉट पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती थी और लोग जो है कश्मीर में वोट कास्ट नहीं करते। नहीं, पहले ये होता था कि जो जितने भी पार्टियाँ थी, 2 ही पार्टियाँ मौजूद थी उधर, एक NC और दूसरी PDP, उनका जो था समर्थन जो रहता था सिर्फ एक जो मिलिटेंट्स थे उनके ऊपर रहता था, जिस तरह वो आवाज़ देते थे, बंद की कॉल देते थे, जहाँ कोई ये कहते थे हम इलेक्शन की बायकॉट करेंगे, जहाँ मतलब पहले देखो जब इलेक्शन होती थी, MP की इलेक्शन होती थी, MLA की इलेक्शन होती थी, कितने मार्जिन, कम मार्जिन होते थे। इस बार इलेक्शन हुई 370 दफा टूटने के बाद, और कितनी वोट संख्या जो है, वोटिंग कितनी परसेंट हुई है, ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। चलिए, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र भगत जी, जो कि BJP से हैं और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। हमने इनसे बातचीत की लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो जो है इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।